मानगढ़ ट्रक यूनियन ने आज जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे पड़ाव डाला है और इनकी लंबे समय से प्रशासन के आगे मांगों का जो ज्ञापन है वो सौंपा हुआ है, परंतु प्रशासन के द्वारा अभी तक इनकी मांगें जो सौंपी गई हैं उसके बारे में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। मेन बात इनकी ओवरलोड, जो ट्रक बाहर से आते हैं उनकी ओवरलोड आते हैं और रॉयल्टी का भी चोरी करते हैं। इनका ट्रक यूनियन का आरोप है कि बाहर से आने वाली गाड़ियाँ ओवरलोड होकर आती है, परंतु यातायात विभाग के द्वारा कोई उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। खास करके इनका आरोप है कि नौहर जो DTO है वो नियम संबद्ध कार्रवाई नहीं कर रहा है और बाहर से आने वाली गाड़ियों का वो उनके प्रभाव में रहते हैं जहाँ उनसे मिले हुए हैं जिनके आरोप है। और मैं आपको ट्रक भी दिखाना चाहूँगा कि इधर ट्रकों की आवाजाही यहाँ पूरी हो चुकी है और यहाँ पड़ाव इन्होंने डाल दिया है और अभी धीरे धीरे करके पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो ट्रक हैं यहाँ वो आएंगे। अपने यहाँ लीलाधर जी खड़े हैं जो ट्रक यूनियन के अध्यक्ष हैं, इनसे आज बातचीत करते हैं भी आज आपने पड़ाव डाला है, पड़ाव आपका कितने समय चलेगा और प्रमुख रूप से आपकी क्या मांग है। हाँ जी लीलाधर, प्रमुख रूप से हमारी ये मुख्य मांग तो अंडरलोड है, जो ओवरलोड गाड़ियाँ आ रही है बाहर से, बीकानेर से, लोडसर से, किशनगढ़ से, कोटा से, वो जो है वो बड़े लोगों की गाड़ियाँ हैं और विशेषकर नो DTO है जो उनके प्रभाव में रहता है। जैसा कि आपने बताया भाई, एक भी गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई आज, नहीं हम तो 15 दिन से लगे हुए हैं ज्ञापन देने। 28 तारीख को हमने पहले ज्ञापन दिया था कलेक्टर महोदय को और गुहार लगाई थी भी आप परिवहन विभाग को पाबंद करें ताकि ये जो ओवरलोडिंग है जो एक अपराध की श्रेणी में आता है वो रुके, लेकिन आज तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं। हाँ, एक बात ज़रूर है, DTO हनुमानगढ़ ने ट्रक यूनियन, जिला ट्रक यूनियन का सहयोग किया है और चलान भी हुए हैं, लेकिन नो DTO ने अपनी मानसिकता के हिसाब से पता नहीं उनके दिमाग में क्या है, कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। तो हम मजबूर होके आज माननीय कलेक्टर साहब के सामने इन गाड़ियों के साथ इन गाड़ियां खड़ी करके धरना लगाया है और हमारी दो तीन प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग हमारी ये है, अभी जो पल्लू थाना है, ऑन रोड है, मेगा हाईवे के ऊपर बना हुआ है, वहाँ पर 365 24 घंटे और 60 मिनट और 60 सेकंड में, तो यहाँ तक कहता हूँ भाई, परमानेंट ज्वाइंट फ्लाइंग लेनी चाहिए खनिज विभाग और परिवहन विभाग की। उनका जो है एक मिनट के लिए भी इधर उधर न हो, नॉर्मल लगभग 9 इंस्पेक्टर हैं, वो यदि करना चाहे तो कर सकते हैं। तो यदि वहाँ से वो मुख्य रास्ता है, यदि वहाँ परमानेंट नाका लग जाए तो ओवरलोडिंग रुक सकती है। दूसरी बात, एक नाका जो ये अमरपुरा फाटक है फुटगेट की तरफ, या जो गंगानगर DTO है वो यदि सूरतगढ़ लगा देते हैं तो ओवरलोड की पूर्णतया रोकथाम हो सकती है। दूसरी बात, जो ये ओवरलोडिंग कर रहे हैं बीकानेर के बजरी माफिया, ये प्रभावी लोग हैं, मंत्री जी के लोग हैं और इनकी सरकार में खूब चल भी रही है और उनकी चलगत के कारण हमारे जो रावत सर के ऑपरेटर हैं उनके ऊपर बेबुनियाद मुकदमे दर्ज हुए हैं। मैं प्रशासन से, हम जब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक प्रशासन वो मुकदमे वापस नहीं लेता। मुकदमे जो हुए हैं, क्या आपकी पुलिस अधीक्षक महोदय से कोई बातचीत हुई है? मुकदमे दर्ज हुए हैं, वापस लिया जाए, झूठे हैं, क्या उनको आपने ज्ञापन दिया है कोई? बिल्कुल बिल्कुल, हमने SP साहिबा को ज्ञापन दिया है भी जो ये मुकदमे हैं ये पूर्णतया झूठे हैं, इन मुकदमों को वापस लिया जाए। और उन्होंने एक कोरोना की मार है, मंदी की मार है, ट्रक यूनियन के आप अध्यक्ष और आपको तो पता है कि मंदी की मार है और बहुत से कारोबार ट्रकों का बहुत कम मात्रा में जो है आपको भाड़ा मिल रहा है, कम मात्रा में आपको सामान सप्लाई के लिए इधर उधर ले जाने के लिए मिल रहा है, तो इसके लिए सरकार से आप क्या मांग करते हैं इस मौके पर? आप यदि पूर्णतः अंडरलोड होता है तो कहीं ना कहीं ट्रकों का जीवन यापन हो जाएगा। ये जो ओवरलोड है, एक एक गाड़ी तीन तीन गाड़ियों का माल लेके आती है, यदि वही माल तीन गाड़ियों को मिलता है तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ भाई ये काम चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि पूर्णतः अंडरलोड होना चाहिए, जबकि ओवरलोड अपराध है। और जो प्रशासन है, जो मैं तो जो
रावत सर सीआई साहब है, उन्होंने उन माफियाओं के कहने पे अपराधियों के साथ मिलकर उन पर हमारे ट्रक ऑपरेटर में मुकदमे किए हैं, तो निश्चित रूप से बहुत गलत बात। एक मैं लीलाधर जी पूछना चाहूँगा कि टोल रोड बनी हुई है अपने जी, और ट्रकों का आवाजाही रोज रहती है, टोल आप वसूलते हैं, टोल आपसे वसूला जाता है टोल कंपनी के द्वारा, लेकिन जो सड़कों की हालत है वो टोल जैसे वसूल रहे उसके अनुसार नहीं, क्या कहेंगे इस संबंध में? ये भी एक भ्रष्टाचार का नमूना है। टोल तो इतने बड़े हुए हैं, यहाँ तक यहाँ से मान लो अपने किशनगढ़ तक जाते हैं तो 400 किलोमीटर का सफ़र है और एक ट्रक से कम 4000 रुपये लिए जाते हैं, यानी कि 10 रुपये प्रति किलोमीटर एक ट्रक से ले लेते हैं वो एक ट्रक से, और रोज़ाना हज़ारों गाड़ियों की आवाजाही हो रही है, लेकिन सड़क का कोई समाधान नहीं हो रहा, उसकी देखभाल नहीं हो रही, ना उस पर कोई कैमरे लगे हुए हैं, ना वो जो है ना कांटे लगे हुए हैं अंडरलोडिंग के लिए, और यहाँ तक कि उन रोडों पर जो ठेकेदार होती है होता है उसकी जिम्मेवारी होती है भी, यदि कोई लूटपाट हो, यदि कोई और गाड़ी वाड़ी के साथ कोई एक्सीडेंट होता है, कोई टायर फूट जाता है, तो उसकी गारंटी होती है ठेकेदार की, लेकिन ये नियम वो फॉलो नहीं करते। मैं अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा कि क्या आपका जो पड़ाव आज आपने डाला है यहाँ करके, ये लंबे समय तक चलेगा या आज ही रहेगा? जी नहीं, ये अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। पल्लू थाने के आगे परमानेंट नाका 24 घंटे के लिए नहीं लगाया जाता, और रावत सर जो ट्रक ऑपरेटरों पर मुकदमे हैं वो वापस नहीं लिए जाते, तब तक हम अनिश्चितकालीन के लिए बैठे। तो ये थे लीलाधर जी जो कि ट्रक यूनियन के अध्यक्ष हैं, इन्होंने अपनी मांगों के संबंध में विस्तार से बताया और पड़ाव के बारे में इन्होंने कहा है कि जब तक प्रशासन के द्वारा हमारी मांगों पर कोई सकारात्मक रुख अपनाकर मानी नहीं जाती है तब तक यह पड़ाव जारी रहेगा। दूसरा, इन्होंने टोल रोड और ओवरलोड और जो ट्रकों की दयनीय स्थिति है, सरकार के द्वारा कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही, उसके बारे में विस्तार से बताया है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन के द्वारा, यातायात विभाग के द्वारा और ख़ासकर नौहर DTO का इन्होंने जिक्र किया है, कितनी जल्दी प्रशासन नौहर DTO पर कार्रवाई करता है और इनकी मांगों पर कितनी जल्दी रुख अपनाकर और इनकी मांगों को मानने के लिए आगे आता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन चेतन प्रकाश के साथ गुरदेव सिंह सैनी, कलम न्यूज़।